नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार लहर क्लासेस का इंग्लिश टीचर आप सभी को आज एक्टिव पैसिव मैंने कल से स्टार्ट किया था, उसके आगे का जो टॉपिक है इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव वो आज एक्टिव पैसिव में बताऊंगा आप लोगों को। तो कल मैंने इंटरोगेटिव तक बताया था, आज इंटरोगेटिव देखते हैं। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको मैंने कल बता दिया था हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, पर नेगेटिव आ गया मतलब बीच में नॉट भी लग जाएगा। जैसे सेंटेंस होगा, एक्टिव में सेंटेंस होगा आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा, आर यू नॉट, देखिए नॉट आ गया। तो जब भी इसे पैसिव वॉइस में आप बनाएंगे तो उसका एक रूल है हेल्पिंग वर्ब न्यू सब्जेक्ट। कल आप सभी लोगों को मैंने बताया था न्यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में कि जो आपका एक्टिव में जो भी आपका सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में वो न्यू ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में न्यू सब्जेक्ट का काम करेगा। मतलब न्यू सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है और जो आपका न्यू ऑब्जेक्ट होता है वो आपका सब्जेक्ट ही होता है। हेल्पिंग वर्ब न्यू सब्जेक्ट, फिर नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय न्यू ऑब्जेक्ट और ये कंप्लीट, ठीक है। जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखिए ये आर लिखा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस मैंने कल हेल्पिंग वर्ब सभी की लिखा दी थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। तो मैंने आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में कुछ टेक्निक बताई थी और इसमें भी यही लागू होगी टेक्निक कि दो वर्ड या तीन वर्ड की जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसे कैसे लगाएंगे हम, कैसे सेट करेंगे। और सिंगल जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब में ही लिख दिया जाता है उसे। ये हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की होनी चाहिए तो सिंगल वर्ड्स की कोई दिक्कत नहीं होगी, पर डबल वर्ड्स मतलब दो वर्ड या तीन वर्ड की जब हेल्पिंग वर्ब होगी जैसे इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग या विल बी, कोई भी दो वर्ड ले लीजिए आप, शैल बी, has been और will have been, ये तीन वर्ड का है। तो पैसिव वॉइस में कोई भी दो या तीन वर्ड की हेल्पिंग वर्ब होगी तो पहला वाला वर्ड इसमें was being भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जितनी भी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें दो वर्ड या तीन वर्ड की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें पहला वाला वर्ड आपको हेल्पिंग वर्ब में लिखना है और बचा हुआ जितने भी वर्ड होंगे उसे नॉट के बाद लिखेंगे। ये टेक्निक है, उसको समझ लीजिए कि पहला वाला वर्ड हेल्पिंग वर्ब में, बचा हुआ वर्ड नॉट के बाद। तो इसमें क्या है, देखिए न्यू सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब आना है, न्यू सब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट सिंगुलर वर्ड है तो इज आएगा, पर इसकी हेल्पिंग वर्ब तो इज बीइंग होती है तो बचा हुआ जो बीइंग शब्द है वो हम लगाएंगे नॉट के बाद। फिर न्यू सब्जेक्ट आपका क्या आ रहा है, ठीक है, फिर नॉट जो बचा था बीइंग वो, फिर हमें क्या चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाय और जो ऑब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वो यू का यू ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार एक सेंटेंस और देख लेंगे हम, विल यू नॉट हेल्प मी, तो विल यू नॉट हेल्प मी जब इसको बनाना है तो देखिए कौन सा विल है, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनेट है और उसकी पैसिव वॉइस क्या फॉर्म होती है, विल बी और शैल बी। आई है, आई के साथ क्या आता है, शैल आता है, तो देख लेंगे आई के साथ शैल बी आएगा, तो पहला वर्ड आना है केवल शैल, फिर उसके बाद हमें न्यू सब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, फिर नॉट और फिर उसके बाद जो बचा बी है वो इधर लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, फिर बाय और यू का आपका ऑब्जेक्ट होगा यू ही, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। पढ़ाया जाएगा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, देखिए डबल इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट, जैसे व्हाई व्हेन वेयर हाउ, ये सब क्वेश्चन वर्ड है आपको, हाउ मैनी विच, ये सब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं।
जैसे एक्टिव में सेंटेंस लिखा हुआ आपका, Why are you not? Why are you? Why are you washing clothes? ठीक है, तो इसको आप ऐसे बॉयज में बनाएंगे ना, तो उसका रूल है जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसे वैसे लिखा रहने देते हैं, हेल्पिंग वर्ब वो भी पैसिव की, न्यू सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय न्यू ऑब्जेक्ट और फिर कंप्लीट, मतलब क्वेश्चन वर्ड जैसा होता वैसे लिखा रहने देते हैं, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की टेंस देख लीजिए उसके अनुसार भाई आप पैसिव वॉइस की अपना लगा दीजिए, आर लिखा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पैसिव वॉइस में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, is being, are being, am being, new subject के हिसाब से आप देख लो, ये आर आएगा कि इस आएगा क्लॉज से, बहुत सारे हैं, क्या आएगा आर, अच्छा इसमें भी आर बींग आएगा तो साथ में तो आर बींग लिखेंगे नहीं, तो टेक्निक वही है, दो वर्ड या तीन वर्ड की हेल्पिंग वर्ब होगी तो पहला वाला वर्ड हेल्पिंग वर्ब में लिख देंगे, पहला वर्ड हेल्पिंग वर्ब में लिखेंगे और बचा शब्द बचा वर्ड न्यू सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, टेक्निक हम इतनी बार बता चुके हैं, दो वर्ड या तीन वर्ड की हेल्पिंग वर्ब होगी, पहला वाला वर्ड हेल्पिंग वर्ब में बचा शब्द न्यू सब्जेक्ट के बाद, न्यू सब्जेक्ट के बचा हुआ क्या वर्ड है इसमें बी, वो आएगा न्यू सब्जेक्ट के बाद, इसके बाद आएगा क्लॉज के बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वाज़्ड बाय सब्जेक्ट आपका यू है तो उसका ऑब्जेक्ट भी यू आएगा, क्वेश्चन मार्क ये इस तरीके से कम, ठीक है, एक सेंटेंस और इसे देख लेते हैं, Why has he seen this video? Why has he seen this video? तो इसको बनाना है, देख लीजिए why का why? फिर हमें क्या चाहिए, न्यू हेल्पिंग वर्ब has है, present perfect, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है passive voice की, has been, have been, this video है, एक video है, इसके साथ has been आएगा, Has पहले लिखना है और been आएगा न्यू सब्जेक्ट के बाद, न्यू सब्जेक्ट आपका क्या है वीडियो, फिर इसके बाद been लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म seen by और he का ऑब्जेक्ट him, इस तरीके से इसे करेंगे कंप्लीट और डबल इंटरव्यू के लिए यहाँ पे खत्म, नोट कर लीजिए, क्या हैं डबल इंटरव्यू नेगेटिव सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन वर्ड आएगा व्हाई वेयर व्हेन हाउ हु हाउ मैनी, उसके बाद नॉट भी आएगा, जैसे कि सेंटेंस होगा एक्टिव में व्हाई वाज सी नॉट सिंगिंग अ Was he not singing a song? ठीक है, तो ये है, इसको कैसे पैसिव वॉइस से बनाएंगे, इसका रूल है जो क्वेश्चन वर्ड लिखा है उसे वैसे लिखा रहने देंगे, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की, न्यू सब्जेक्ट फिर नॉट पर की थर्ड फॉर्म, न्यू ऑब्जेक्ट और फिर कंप्लीट, ठीक है, अच्छा इसमें भी वही टेक्निक है, सिंगल वर्ड तो आप हेल्पिंग वर्ब में लिख देंगे पर डबल या ट्रिपल वर्ड्स होंगे, दो शब्द या तीन शब्द की हेल्पिंग वर्ब होगी पैसिव वॉइस की, तो टेक्निक वही है, पहला शब्द पहला वर्ड हेल्पिंग वर्ब में
बचा वर्ड नॉट के बाद, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब आप समझ गए होंगे कौन कौन सी वो दो हेल्पिंग वर्ब होंगी, इज बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, हैड बीइंग, हैज बीइंग, हैड बीइंग, विल बी, शैल बी, ये तो दो वर्ड की हो गई, तीन वर्ड की, विल, हैव बीइंग। तो पहला वाला जो विल है वो इधर आएगा हेल्पिंग वर्ब में, और हैव बीइंग बचा हुआ जो बाद है वो नॉट के बाद आएगा। तो वाई वाज सी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, इसको जब इस रूप से बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, वाई का वाई लिखा रहेगा, हेल्पिंग वर्ब वाज है, अ सॉन्ग एक है तो वॉज बीइंग आएगा, तो वॉज यहाँ पे, तो न्यू सब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, इसके बाद बीइंग यहाँ आएगा, सॉरी नॉट बी आएगा, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, सन, फिर बाय, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, समझ में आया, वॉज अ सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय हर, ठीक है। एक सेंटेंस और देख लेंगे इसी से, why had police not cast thieves, तो इसको कैसे बनाएंगे आप, by had he not been, cast by police, तो क्वेश्चन वर्ड है वो वैसे ही, कौन सा टेंस है ये, हैड है, पास्ट परफेक्ट है, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड बी, तो पहला वाला वर्ड हेल्पिंग वर्ब है, हैड, और जो बचा हुआ वर्ड है वो नॉट के बाद, तो न्यू सब्जेक्ट आना, न्यू सब्जेक्ट क्या है आपका, थीव, ठीक है, थीव्स, ठीक है, उसके बाद नॉट, फिर बीन बचा हुआ वर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कैच बाय, और जो न्यू सब्जेक्ट है आपका ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पुलिस का पुलिस ही रहेगा, समझ में आया, ये आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, देख लीजिए। अब देख लो कितने मिनट, अब देखते हैं अपन इंपेरेटिव सेंटेंस, देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, मैंने पहले ही बताया आपको इंपेरेटिव सेंटेंस, इसको पहचानने का तरीका है आपको, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर कॉम्प्लीमेंट होगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट जरूर होंगे, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, नहीं भी हो, दोनों पॉसिबिलिटी है, पर वर्ब से स्टार्ट होगा और ऑब्जेक्ट होगा, और इसमें कॉम्प्लीमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे एक्टिव में सेंटेंस लिखा होगा, ओपन योर बुक, देखिए ओपन क्या है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, योर बुक ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट इसमें नहीं आया है, तो जब भी इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो उसका रूल है कि डायरेक्ट लेट से बनेगा, लेट जो ऑब्जेक्ट होगा उसे लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो न्यू ऑब्जेक्ट और न्यू सब्जेक्ट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर यदि कॉम्प्लीमेंट है तो उसे आखिरी में लिखते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पहले लेट, तो इसमें लेट लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, योर बुक, योर बुक, फिर बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ओपन, समझ में आया, ऐसे ही और एक और है, इन्फॉर्म द पुलिस, कैसे बनाएंगे, लेट द पुलिस, भाई ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द पुलिस, बी, और इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फॉर्म, ठीक है, तीसरा एक और देख लेंगे,
मेक अ नॉइस इन द क्लास, इसमें आपका कॉम्प्लीमेंट है। इसको कैसे बनाएंगे? लेट अ नॉइस बी मेड इन द क्लास। ऐसा ही एक और है, जैसे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट मी बी गिवन अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरीके से सेंटेंस कई सारे इंपरेटिव सेंटेंस बन सकते हैं, देख लीजिए। अब इंपरेटिव सेंटेंस में देखते हैं दूसरा, जो इन नेगेटिव में होता है, जैसे कि डू नॉट, ठीक है। तो डू नॉट, जैसे कि डू नॉट इज द पुअर, तो डू नॉट मैंने बताया था इंपरेटिव सेंटेंस एक अफर्मेटिव में होता है, सिंपल सा है, वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। एक होता है डू नॉट, मतलब क्या होता है हिंदी होती मत करना, ठीक है। तो डू नॉट फिर टीस मतलब सताना, द पुअर से गरीबों को मत सताओ। तो डू नॉट टीस द पुअर, ये भी एक इंपैरेटिव सेंटेंस है इन नेगेटिव। तो इसको जब पैसिव वॉइस से बनाएंगे तो इसका एक रूल है, सेम वैसा ही है, लेट जो ऑब्जेक्ट होगा वो, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और कॉम्प्लीमेंट है। तो जैसे यहां पे आया लेट द पुअर, फिर Not be और verb की थर्ड फॉर्म क्या है आपका, teased। समझ में आया? दूसरा है do not insult the weak, डू नॉट इंसल्ट द वीक। तो इसको जब आप पैसिव वॉइस से बनाएंगे क्या आएगा, लेट द वीक नॉट बी इंसल्ट, ठीक है। ये डू नॉट वाले नियम है, आप ऊपर लिख देना डू नॉट का नियम, द यूज ऑफ डू नॉट वर्ड्स इन इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग नोट कीजिए आज, और कोई दिक्कत हो डाउट हो मुझे मैसेज कीजिए, और यदि ये वीडियो पसंद आई है आपको तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।